नमस्ते ब्रज सारी वीडियो, आपका स्वागत है। आज खड़े इंडियन सेडान के सामने जिसका नाम है होंडई ओरा। होंडई का लोबो आप देख सकते हैं भाई, मतलब इस लोबो के पीछे दुनिया दीवानी भाई। दो महीने हैंडशेक करते हुए आपको ये सामने दिख जाते हैं। लिटल ग्रिल की बात करें भाई, काफ़ी अच्छी लिटल ग्रिल दी गई, बड़ी सी इसके अंदर लिटल ग्रिल दी गई। देखो बड़ा सा ग्रिल दिया गया इसके अंदर, देखो सामने अलग दिखता है। लाइसेंस प्लेट की जगह नीचे से एयर इंटीकेट दिया गया, डबल एयर इंटेक इसके अंदर दिया गया, क्योंकि माइलेज और गाड़ी दोनों ठंडी अच्छी तरीके से होती है। हेलोजन बीम इसके अंदर मिलती है, देखो हेलोजन लाइट इसके अंदर, काफ़ी थ्रो भी अच्छा है। इंडिकेटर है, पार्किंग लाइट है इसके अंदर, और प्रोजेक्टर हेड इसके अंदर, फॉग लाइट इसके अंदर मिलते ही मिलते हैं। ये है भाई, मैं आपको ब्रांड में दिखा दूँगा, DRL आपको ये दो मिलते हैं, ठीक है, और अपने ये दो यहाँ पर मिलते हैं, चार लाइट वगैरह आपको जला के दिखा दूँगा। पहले बात करते हैं ये वेरियंट की, वेरियंट है भाई ये S। इसके अंदर क्या है, देखो सेडान में, सेडान से इनका अलग चलने लग जाता है। इनका i10 का और i20 का इसमें चलता है भाई, एरा, मैगना, स्पोर्ट और एस्टा, इनमें चलता है EX, SX, SS ऑप्शन वगैरह इसके अंदर चलता है। ये S वेरिएंट है प्रेजेंट में, सेकंड बेस वेरिएंट है ये S, इसमें ई भी आता है, ये S है। तो S दो वाइपर मिलते हैं सामने से, कर्ब डेन आपको सेम मिलता है भाई। ये तो मतलब सीधी बता दूँ, सामने से आपको i10 दिखेगी, लेकिन जो बंदा पहचानने वाला होगा ना, इसके से हाल पहचान लेगा भाई ये ओरा है। चलो साइड प्रोफाइल बात करते हैं, साइड प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ भाई। साइड प्रोफाइल आपको ऐसी मिलेगी इसके अंदर, जो फेंडर पे ही 10 इंडिकेटर मिलेगा, ना कि यहाँ मिलते भाई। मिड वेरियंट है तो आप समझ सकते हो, मिड वेरियंट पर हर एक कंपनियाँ यहीं पर इंडिकेटर देती हैं, लेकिन फीचर टॉप मॉडल वाले इसके अंदर दिए गए हैं। 14 इंची के रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, व्हील कैप के साथ में 4 नट इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेंगे और रियर में आपको डिस्क ब्रेक, वो ड्रम ब्रेक मिलेंगे। 165 अगर इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस आता है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, बढ़िया रीटा क्लीन ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर आता ही आता है, ठीक है। इसके अंदर रैप आता है भाई, ब्लैक रैप आता है, मैट ब्लैक आता है इसके अंदर, रैप आता है। आइए थर्ड फ्लोर इसके हो गई है, पीछे दिखाता हूँ पीछे कैसी क्या है। हाँ पीछे कहानी ऐसी है भाई इसकी, ये स्पॉइलर अलग से लगाया गया है, होंडई का लोगो, ओरा की बैजिंग अपनी फ्रीड आती है। ये इसकी टेल लाइट इसके अंदर आपको ऐसी मिलती हैं, हेलोजन में इसकी टेल लाइट मिलेगी और इसके अंदर इंडिकेटर वगैरह सारी चीज़ इसके अंदर आती ही आते हैं। ये इसके अंदर कंपनी फ्रीड ही आता है, दो पार्किंग सेंसर आते हैं इसके अंदर, रिवर्स पार्किंग कैमरा इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। बूट खोल के बात करते, बूट कितना आता है इसके अंदर, हाँ ये है भाई बूट इसके अंदर आता है भाई, 350 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस आता है। लेकिन CNG सिलेंडर लगने के बाद में इसका व्यवस्था है भाई, 150 लीटर का बूट स्पेस के अंदर से बच जाता है CNG सिलेंडर लगने के बाद में। ये CNG और पेट्रोल में दोनों में ही आती है भाई, ऑप्शन काफ़ी अच्छा है भाई, ये CNG पेट्रोल दोनों में आता है और काफ़ी फीचर सारे इसके अंदर मिलता है। स्मार्ट की तो आप इसके अंदर देख ही सकते हैं, फ्लिप की इसके अंदर आती है। इसको बंद करते हैं, यहाँ पर सामने इसके गत्ता वगैरह नहीं दिया गया भाई, मारुति की तरह छुपा के नहीं दिया, सब चीज़ सामने दिखा कर दी होंडई ने कहा, हाँ भाई हम तो बिल्कुल नीट और क्लीन वाले हैं भाई, ठीक है। बंद कर दिया, आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ से भर सकते हैं पेट्रोल, वो भी आपको दिखा दूंगा। रियर डोर आपको खोल के देखते हैं, डुअल टोन में इसके अंदर रियर डोर मिलता है, मतलब बीच कलर का और ब्लैक कलर का आपको वो मिलता है डुअल टोन में। ये बोतल होल्डर, स्पीकर, ये इसकी सीट आपको बीच कलर की मिलेगी, आपको देख सकते हैं फैब्रिक में सीट कवर सीट मिलेगी, फैब्रिक कलर उसमें मिलेगी आपको, फैब्रिक टाइप के, ठीक है। इसके अंदर आपको एक क्या बात है यार, सेडान में भी इसके अंदर आपको हेडबो मिल जाता है, आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखो इसके अंदर भी, इसके अंदर अपने आमरस पीछे आ जाता है, देखो कितनी अच्छी बात है भाई, बेस मॉडल में भी आमरस आ जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं पीछे सेडान में, मतलब सेगमेंट में सबसे पहली सेडान है भाई, एड्रेस भी इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। CNG में है आपको रियर AC बेंट, 12V का चार्जिंग पोर्ट, 12V का चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। ये पर दो AC बेंट मिलते हैं, मैक पॉकेट इसके अंदर नहीं आती है, इसके अंदर भी नहीं आती। रीडिंग लाइट आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है, ऐसा आपको डैशबोर्ड एरिया मिलेगा। चलो ड्राइवर साइड देखते हैं, ड्राइवर साइड में क्या क्या नहीं है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले फ्यूल टैंक एरिया दिखा दूँ, फ्यूल टैंक एरिया कैसे कितना क्या आता, वो भी खुलता कहाँ से है, यहाँ से आपको बूट भी यहीं से खोल सकते हो और फ्यूल टैंक भी यहीं से खुल, ये बूट का है अपना, ये फ्यूल टैंक का है। आइए
खोल के दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, यहाँ से आप CNG भर सकते हैं, यहीं से आप CNG भर सकते हो, और यहीं से ही आप पेट्रोल भर सकते हो। इस 35 लीटर का फ्यूल टैंक आता है और 11 लीटर इसके अंदर CNG सिलेंडर आता है। आइए ड्राइवर साइड चलते हैं वापस। ड्राइवर साइड में क्या क्या है? ड्राइवर साइड में आपको 4 पावर विंडो मिलती है मेरा एडजस्ट करने के लिए, लीवर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं इनको, ठीक है। देखो वो चाबियाँ लगी तो एडजस्ट कर सकते, मिला दिया 4 पावर विंडो, ब्लैक कलर के डोर ओपनर मिलेंगे, सीट एडजस्टेबल सीट के अंदर भी सीट आ जाती है भाई। देखो ऊपर नीचे, देखो सेकंड बेस के अंदर भी एडजस्टेबल सीट आ जाती है। टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, 3 पेडल और अपना ये डेड पेडल जिसके अंदर दिया गया है। इसको खोलेंगे तो अपना फ्यूज बॉक्स आ जाता है यहाँ पे। हाँ, ये सब फ्यूज बॉक्स, ये ट्रैक्शन कंट्रोल, ये बीम एडजस्ट करने के लिए अपने CNG वाला नॉक हो गया, ऑटो पेट्रोल वगैरह जिस पे डालना है उस पे आ जाता है, ठीक है। ये अपना चाबी लगाने के लिए AC वेंट आपको ऐसे मिलेंगे, डोर ओपनर इसके अंदर भी आपको शो करता है। देखो इसमें शो कर रहा है डोर ओपनर, भाई डोर ओपनर खुला हुआ है। आइए कार के अंदर बैठते हैं, कार को देखते हैं कितना क्या। बीच कलर में आपको मिलेगा, देख सकते हैं सीट कलर, डुअल डोर में आपको इंटीरियर इसका मिलता है। चलो लगा के देखते हैं भाई। हाँ बैठ गए, यहाँ पर लगाते हैं चाबी। चालू हो गई भाई। 3-स्पोक स्टीयरिंग वही i10 वाला ही है, ठीक है सेम। म्यूजिक सिस्टम के लिए भाई ने स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल कॉलर टेंट को डिस्कनेक्ट, मोड चेंज करने के लिए, म्यूट चेंज करने के लिए सारी चीज़ें इसके अंदर भी आती हैं। ये सब म्यूजिक सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर हो गया म्यूजिक सिस्टम की बात करें, म्यूजिक सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा ऑक्स, USB, ब्लूटूथ। ऑक्स नहीं करता शायद, नहीं ऑक्स नहीं करता, ब्लूटूथ और USB करता है, और रेडियो सपोर्ट करेगा ये, ठीक है। इसके अंदर मीडिया में आएंगे ऑडियो, सप्लेस्टर, फैन, एक्शन कंट्रोल, सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ये म्यूजिक वगैरह के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ इसके अंदर आप सेट कर सकते हो भाई, ये सब चीज़ें सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो भाई, एक्शन कंट्रोल, वो म्यूजिक वगैरह की क्लेम वगैरह क्या क्या इसके अंदर आता है, ठीक है। ऑफ वगैरह करने के लिए टिक टिक वाला बटन जो हैजर लाइट के लिए, ठीक है। AC आपको ऐसी मिलेगी, आप देख सकते हैं AC आपको ऐसी मिलती है, टिक टिक बंद कर देते हैं, मैनुअल AC मिलती है हीटर के साथ, ये अपने सकुलर चेंज करने के लिए। यहाँ पे अपने पैड दिया गया कुछ रखने वगैरह के लिए, 2 आपको USB पोर्ट मिल जाते हैं, ये फास्ट चार्जिंग के लिए, अपना ये USB के लिए। ब्लैक कलर का गियर नॉब मिल जाता है 5 स्पीड के साथ, आप देख सकते हैं 5 गियर रखते हैं इसके अंदर, ठीक है। पार्किंग सेंसर भी इसके अंदर आपको डिस्प्ले पे शो होते देख सकते हैं आप, ठीक है। हैंड ब्रेक आपको वैसा मिलता है, ये 2 का फोल्डर, ग्लो बॉक्स आपको ऐसा मिलता है, ये आपको सारी चीज़ें, वैनिटी मिरर आपको ऐसे मिलती है, ये आप देख सकते हैं, और ये आपको उसमें लाइट पेंट उस सनसेट पर आपको मिरर नहीं मिलता है, रीडिंग लाइट आपको ऐसे मिलती है। यहाँ पर देखते हैं टिकट होल्डर, यहाँ पर माइक, ब्लूटूथ भी आता है इसके अंदर, तो माइक आपको वॉल अटेंड करने वगैरह की सारी चीज़ें इसके अंदर भी आती जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने पूरी कहानी हो गई। हाँ लाइट के टॉगल रह गए, वाइफर के टॉगल, और अपना ये एडजस्ट करने, स्टीयरिंग एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, सब चीज़ें हो गई। आइए अपना वो खोल के देखते हैं भाई बोनट कि कितना क्या पेट्रोल इंजन आता है, और CNG इंजन इसके अंदर भी आती है। ये पेट्रोल, CNG और डीजल में तीनों में आती है भाई, ठीक है। लेकिन माइलेज तो भाई पेट्रोल और CNG में ही देती है, डीजल का तो महंगा ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से कोई मतलब नहीं निकलता। ये है भाई कापा BTBT पेट्रोल इंजन जो सपोर्ट करता है 13 से 20 PS पावर जनरेट करता है और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और पेट्रोल CNG में सपोर्ट करती प्रोड्यूस करता है ये 70 Nm का हॉर्स पावर जनरेट करता है और 100 Nm का टॉर्क जनरेट करता है ये। और माइलेज की बात करें पेट्रोल में देगी आपको 22 का और CNG में आपको देगी 28 का। सी ये अपनी बैटरी वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर दिए गए हैं, फ्यूज वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। तो उसको बंद करते हैं। यह है भाई मारुति होंडा की सेडान, होंडा की सेडान ये अपनी ओरा। तो और एड्रेस वगैरह सारी चीज़ आपको दिखा देता हूँ मैं, ऑर्डर से किचन का है चिन रोड पर एड्रेस चिन रोड बस स्टैंड के जस्ट पास में और अपना ये मंदिर के जस्ट पास में। तो पसंद आई वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नहीं है बता देना भाई क्या कमी है क्या नहीं रही है, वो भी आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो इस नंबर पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना। वीडियो आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सेव द हैवेस्ट नाइस डे।